घायल और बेसहारा 30 बूढ़ी गायों और 25 नंदी के लिए मुजफ्फरनगर की जैस्मिन मलिक ने बनाई है यह विशेष गौशाला, जहां वो अपने खुद के खर्च पर कर रही हैं इन बेजुबान गौवंशों की सेवा। इस सेवा की शुरुआत हुई थी अब से 3 साल पहले, जब एक बहुत ही छोटा सा बछड़ा हमारी नाली में गिरा पड़ा था। उसको पापा ने बाहर निकाला, उसको हमने अपने घर में रख के उसका पालन पोषण शुरू किया। 29 साल की जैस्मिन को जब ये पता चला कि यह नंदी है और दूध नहीं दे सकता, इसीलिए किसी ने उसे बेसहारा छोड़ दिया, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और यहीं से उन्हें इनकी सेवा करने का ख्याल आया। मुझे इस सब का कुछ नहीं पता था। मैं अपने ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद पापा से पूछती थी, पापा क्या इसने घास खा ली? लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, इसने घास नहीं खाई थी, तो मैं उसके पास गई। मैंने इसे आधे घंटे तक पुचकारा। जैसे मुझे आधा घंटा पूरा हो गया, मैं हार के जब उठ गई थी, तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ ही उठा, उसने घास भी खाई, पानी भी पिया। ये पल मुझे बहुत छू जाने वाला पल था। धीरे धीरे वो सड़क पर घायल और भूख से बेहाल पड़े ऐसे और छोटे नंदी और बूढ़ी गायों को अपने पास लाकर सेवा करने लगी। फिर जैस्मिन ने अपने खुद के खर्च से 2 जगहें किराए पर लेकर इन्हें रखना शुरू किया और आज नियमित रूप से हर महीने वह 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करके यह निस्वार्थ सेवा का काम कर रही है। जैस्मिन ने शिव जी के नंदियों का घर नाम से एक संस्था भी बनाई है, ताकि उन्हें कुछ सामाजिक मदद भी मिले। आप भी मदद का हाथ बढ़ाकर बन सकते हैं इन बेजुबानों की आवाज़। आप उन्हें सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर सकते हैं। बदलाव से जुड़ी ऐसी और कहानियों के लिए जरूर फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।